खानदान तकसीम किए जाएंगे वजीर आजम इमरान खान। तो जी हाँ दोस्तों, दोबारा 12,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। गरीब आवाम को दोबारा 12,000 रुपए की इमदाद देने का फैसला कर लिया गया है। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है कि तमाम गरीब अफराद को जिनको पहले पैसे मिले हैं और जिनको नहीं मिले उन तमाम अफराद को कल से 12,000 रुपए की दोबारा इमदाद देने का फैसला कर लिया गया है, ऐलान भी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि आपको किस नंबर से मैसेज आएगा और आपको क्या करना होगा, किन अफराद को इस प्रोग्राम की जानिब से दोबारा इमदाद मिलेगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से कबल आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आपको नजर आ रहा है, जल्दी से उस बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का निशान आ जाएगा उसको लाजमी से प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। नाजरीन, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता लेकिन एक सेकंड जरूर लगता है। हम आप दोस्तों के लिए मेहनत करते हैं, उसका फल हमें तब मिलता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नाजरीन प्लीज जल्दी से यार कर दो सब्सक्राइब, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, हम आप दोस्तों के लिए मेहनत करते हैं। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब आपका टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो नाजरीन, आप सभी दोस्तों को पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ प्रूफ के साथ बनाता हूँ। प्रूफ में आप दोस्तों को दिखा चुका हूँ पहले, जो कि ARY न्यूज पर अपडेट आई हुई थी, जो कि मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया, प्रूफ के तौर पर आप दोस्तों को दिखा चुका हूँ। तो नाजरीन, अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह पैसे मिलेंगे, 12,000 रुपए किस प्रोग्राम की जानिब से मिलेंगे, क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से 8171 की जानिब से अब मैसेज बंद हो चुका है। मैसेज किस नंबर से आएगा, काफ़ी लोगों को यही मसला आएगा, इस वजह से मैं पहले आप दोस्तों को बता रहा हूँ। तो नाजरीन, आपको जो मैसेज आएगा वो 8170 की जानिब से आएगा और ये पैसे उन अफराद को मिलेंगे जिन अफराद ने इंसाफ इमदाद प्रोग्राम पर अप्लाई किया हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि इंसाफ इमदाद तो सिर्फ पंजाब के लिए है, क्या ये पूरे पाकिस्तान में तमाम अफराद को पैसे मिलेंगे या पंजाब के लिए? तो नाजरीन, ये पूरे पाकिस्तान में इंसाफ इमदाद प्रोग्राम की जानिब से पैसे मिलेंगे तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों के अंदर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज किया गया था। सिंध के लिए वजीर आला जो सिंध के हैं उन्होंने प्रोग्राम का आगाज किया था, पंजाब का पंजाब जो उस्मान बुज़दार हैं उन्होंने किया था, इसी तरह जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं साहिबा जो वजीर आला हैं उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज किया था। तो नाजरीन, जिन अफराद ने इंसाफ इमदाद प्रोग्राम पर अप्लाई किया हुआ, अगर आप चेक करना चाहते हैं क्या आपकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई हुई है या नहीं हुई, तो नाजरीन आप इस वेबसाइट पर आएँ, यहाँ पर अपना शिनाख्ती कार्ड लगाएं और उसके बाद यहाँ पर मैं एक रोबोट नहीं हूँ इस पर क्लिक करके क्लिक करेंगे बटन पर क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा क्या आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। अगर आपकी इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई आपको मैसेज आएगा कि आप इस प्रोग्राम के अहल नहीं हैं, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में पहले से दर्ज करवा चुके हैं, टिक का निशान आ जाएगा, अगर आप ना अहल हुए तो आपको कट का निशान आ जाएगा। तो नाजरीन, कल से 12,000 की इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी, मैंने पहले भी आप दोस्तों को बताया था कि ये अपडेट आने वाली है, तो अपडेट आ चुकी है जो मैंने आप दोस्तों को प्रूफ के साथ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।